नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। गुड़ में भारी बारिश के चलते एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट की 2 यूनिट ठप। इसका सीधा असर पड़ेगा दिल्ली की मेट्रो पर। सोलर प्लांट की बिजली से चल रही है दिल्ली की मेट्रो। अल्ट्रा पावर प्लांट में पानी के तेज बहाव के चलते भारी नुकसान हुआ है। प्लांट की कई इकाइयाँ प्रभावित हुई हैं। इसमें 2 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन भी ठप हो गया है। नदी के पानी का बहाव क्षेत्र जहां तक था उसकी अनदेखी करते हुए कंपनियों ने सोलर पैनल लगा दिए थे। पूर्व में ही इसकी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कंपनियों ने अपनी मर्जी के अनुसार कार्य किया और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हम आपको बता दें, बदवार पहाड़ की देवदाऊ नदी पहाड़ी पानी पर निर्भर होती है। बड़े हिस्से का पानी यहाँ पर सिमट कर आता है। कुछ समय के लिए नदी उफान पर होती है। नदी का यह पानी प्लांट में पहुँच गया। बारिश के बाद हुई तबाही के चलते 2 और 3 नंबर की इकाइयां 150 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन बंद हो गया। इस बारे में हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा SS गौतम से बात की। आइए पहले सुनाते हैं उनका क्या कहना है। पानी के बरसात की वजह से कुछ पैनल डैमेज हुए, केबल डैमेज हुई, जिससे 90 मेगावाट के विद्युत उत्पादन में व्यवधान आया है, जिसको इकाई द्वारा ठीक किया जा रहा है। ये एयर स्ट्रिक क्लीन एनर्जी यूनिट क्रमांक 3 की स्थिति। आंधी और पानी दोनों थे, उसकी वजह से कुछ फेंसिंग भी ढूंढती है, और बरसात की वजह से अचानक पानी आ जाने की वजह से नुकसान हुआ। वहीं सामग्री चोरी के डर से कंपनियों ने तार फेंसिंग की बाउंड्री बना रखी है। इसमें करंट भी लगाया गया है ताकि कोई भी चोरी के घुसने के लिए प्रयास न कर सके। अगर करे तो उसमें फंस जाए। पानी के बहाव में 1000 मीटर से अधिक की दूरी की फेंसिंग भी टूट गई। इससे बड़ा खतरा वहां काम कर रहे कर्मचारियों को हो सकता था। परिसर के भीतर निरीक्षण करने एवं कर्मचारियों के जाने के लिए बनाई गई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जैसा कि आप अपने TV स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। रीवा अल्ट्रा पावर प्लांट से बिजली उत्पादन बंद होने का खामियाजा दिल्ली को भी भुगतना पड़ सकता है। हम आपको बता दें, रीवा अल्ट्रा पावर प्लांट की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चलती है। अगर बिजली की सप्लाई प्रभावित होती है तो मेट्रो पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। पहली बरसात में ही रीवा अल्ट्रा पावर प्लांट का हाल देखकर ऐसा लगता है जो प्रोजेक्ट या तो जल्दबाजी में किया गया या फिर गुड़ पहाड़ की बनावट को बगैर ध्यान में रखे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया। हम आपको बता दें, जिस जगह पर प्लांट बना है इस जगह पर एक नाला है। इसी नाले में पूरे पहाड़ का पानी आकर मिलता है। इस और शायद प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने या तो ध्यान नहीं दिया या फिर किसी दबाव के चलते उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, जो जांच का विषय हो सकता है। यह अलग बात है, फिलहाल बिजली उत्पादन कर रही कंपनियों को करोड़ों का नुकसान तो हो ही गया।